बेचा हो गया जी, टच एंड गोन सीन है जी। चेक करें, नीचे से उठाया से भाई ने, ये अभी हुआ नहीं है, अब हुआ है, अभी टच एंड गोन ही है। बड़ी अच्छी लैंडिंग हुई है गुड्डे की। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू सेवन सारी यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं सारे भाई खैर खरीत से होंगे। वेलकम टू वन न्यू व्लॉग। तो काइट फ्लाइंग व्लॉग है जी। आज संडे है, आज लास्ट फ्राइडे आप लोगों ने देखा हवा नहीं चली, आज काफ़ी अच्छी हवा चल रही है। ये पहली अब मैं पतंग उड़ाने वाला हूँ। आज रोल्स रॉयस का दोबारा से रिव्यू करेंगे, इसके बारे में आप लोगों को सारा जो भी सीन है आप लोगों को नज़र आ जाएगा कैसी केमिकल है। बाकी ये पतंग मैंने रेडी कर लिया फुल, इसकी तलामे वगैरह डाल ली हैं। रोल्स रॉयस के साथ इसको उड़ाऊँगा और आप लोगों को इसको चेक कराऊँगा क्या सीन है। पतंग उड़ाने लगे हैं आज, केमिकल वाली हवा ओके चल रही है। आज काफ़ी दिनों के बाद ऐसी हवा चल रही है। काफ़ी दिनों बाद पतंग उड़ा रहे हैं हम। पिछले व्लॉग्स में आपने देखा होगा, काफ़ी पुराने 7-8 माह पहले वही पतंगें ये पड़ी हुई हैं हमारे पास। केमिकल वाली पतंगें थी ये, हमने मंगवाई थी लास्ट टाइम। रोल्स रॉयस का भी रिव्यू कर रहे हैं आज, लास्ट वीडियो में हुआ नहीं था। व्लॉग्स आपको इसी वजह से हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं। टेस्टिंग कर रहे हैं जी रोल्स रॉयस की। सर्दी भी आज काफ़ी है, गुड्डे आप देख सकते हैं आगे चढ़ रहे हैं काफ़ी, वो भी हैं दो और ये भी है साइड पर। ब्राउन से कलर का गुड्डा है, चढ़ा लो थोड़ा सा, मैं कहता हूँ पेचा हो गया जी, टच एंड गोन सीन है जी। चेक करें, बिल्कुल साथ लगा है, कल फुल टन पे आई हुई है इसी वजह से बिल्कुल साथ टच हुआ है। ये देखें जी, वो देखें वो जा रहा है कट के। ये भी ऊपर एक गुड्डा उड़ा है, ब्लैक कलर का ये गुड्डा। क्या फील हुआ है जी? मज़ा आया फुल पतंग के साथ। आप लोगों को पता है पतंग का सीन ही और होता है, पतंग जो है ना उसका तन जो है वो मज़ा कराता है। बाकी थोड़ी सी मुझे लग रहा है कनी खा रही है, बाकी ये ब्लैक का है। पेचा हो गया ब्लैक के साथ, नीचे से उठाया से भाई ने, ये अभी हुआ नहीं है, अब हुआ है, अभी टच एंड गो नहीं है। तावा गुड्डा था, बड़ा अच्छा था, लेवल गुड्डा था, वो देखें जा रहा है। दो गुड्डे काट दिए हैं जी आते ही। पीछे चेक करें जी कितने गुड्डे उड़ रहे हैं। आज संडे है, आज सब स्कूल में छुट्टियां हो गई हैं, कॉलेजेस में हो गई हैं। आप भी कमेंट में बताएं कि आप कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, छुट्टियां हुई हैं आपको कि नहीं हुई। बाकी गुड्डे काफ़ी उड़ रहे हैं पीछे से। बाकी पतंग का यही सीन होता है, आप लोगों ने इसको ढीला नहीं होने देना, आप लोगों ने इसको तन पे रखना है। ज़्यादा मैं उड़ाता नहीं हूँ पतंगे वगैरह इस दफ़ा, लेकिन बाइक ही है आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को उसकी डिटेल भी दें। कुछ लोग होते हैं पतंग के वो फ़ैन होते हैं, डोर भी परचेज़ की है और उसके साथ डोर वाली पतंगे परचेज़ की हैं। केमिकल के साथ मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, कम इसका 1.5 तावे जितना तन होता है, तकरीबन 3.5 गिट की पतंग। आप लोगों ने रोल्स रॉयस देखा ही है क्या झटका लग रहा है। मैंने इसीलिए दोबारा इसका रिव्यू दिया है क्योंकि मुझे पता था ये केमिकल वो नहीं है। लास्ट फ्राइडे में हवा नहीं चली, अच्छे जो पीसेज हैं वही हम लोग बसंत पे जो है वो इस्तेमाल करेंगे और आप लोगों को भी उन्हीं के बारे में डिटेल बताएंगे कि यार आप लोग उनको बाय करें और आपको मज़ा आए। गुंडे चेक कर सकते हैं, वो रेड और येलो है, पेचा हुआ उनका आपस में। इधर भी है एक येलो गुड्डा, वो सामने से उड़ रहा है, वो इसको काटते हैं फिर येलो। वो देखें दोनों डूब गए हैं जी, येलो के साथ करते हैं पेचा, आपको दिखाते हैं।
सही साइड से उठाओ ना उसको। पेचा हो गया जी, इधर हो, इधर जाके होना इस वाली साइड पे। हाँ इधर, गया? चेक करें, काट दिया गुड्डा। सिर्फ तुम क्यों मारे हैं? तीन गुड्डे काट दिए, ये चौथा पेचा होगा हमारा। ये ब्लू कलर का गुड्डा है, वो ऊपर हमारी दुकल है। हैंड मूवमेंट से पिछली पेचे पे आपको मैंने दिखाई है, हैंड मूवमेंट गया थी, वो टच एंड गोन वाला सीन है उसका। देखने पेचा हो गया जी हमारा भी। लंबा हो गया पेचा, पेचा क्योंकि सिंगल हुआ नहीं है। चेक करें, ये फुल डूब चुकी है। पकड़ना ना, डूब गई हमारी दुकल डोर, अभी तक सलामत ही है। देखते हैं जी क्या बनता है। बिल्कुल डूब चुकी है हमारी दुकल। टूटी नहीं है अभी डोर। हाँ हमारी कट गई है जी, दुकल डूब गई है। ये देखिए अभी तक डोर जो है ना, पेचा भी सिंगल नहीं ना हुआ असल में। चले अगला गुड्डा उड़ाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। ये गुड्डा है जी दूसरा, तो कल पहले देखिए आपने, तीन गुड्डे काटे हैं हमने, डूब गई है। गुड्डा चढ़ाया अब, दो गुड्डे हैं ऊपर, वाइट कलर का है और एक रेड कलर का है। पेचे हुए थे रेड का और वाइट का, वाइट गुड्डा काट कट गया। डोर ऊपर है तुम्हारे, ये देखें दो रेड कलर के गुड्डे हैं, फेंको इनके ऊपर। रेड ने वाइट काट दिया था, अब रेड के साथ हम करने लगे बेचा। केमिकल छोड़ दी सेब भाई ने माशाल्लाह से। आधा घंटा मुझे केमिकल ही नहीं मिली, फिर भी मैंने वो गुड्डा काट दिया। वो गुड्डा चिमड़ रहा है अपने साथ? नहीं नहीं आ गई है वो, मुझे लग रहा है। लग नहीं रहा आपको? बाकी आप लोगों ने आज पेचे तो देख ही लिए, बड़ी अच्छी लैंडिंग हुई है गुड्डे की। तो ये भी हम लोगों ने जाते जाते काट ही दिया गुड्डा। गुड्डा उतार लेते हैं और इजीली चलते हैं।
बाकी आज आप लोगों ने देखा होगा रोल्स रॉयस के साथ हम लोगों ने फ्लाई किया, गुड्डा इसका रिव्यू दिया आपको फ्लाई करके, फुल ओके कैमिकल है। अब ज़्यादातर चरखियाँ जो होती हैं ना वो ज़्यादा ही मज़ा करवाती हैं, क्योंकि वो उसकी डोर और तरीके से लगी होती है। जो पीस की कैमिकल होती है उसका सीन और होता है, चरखरी वाली का और होता है, लेकिन चरखरी आजकल सही आ नहीं रही, इस वजह से ज़्यादा बाय करने का ना उसके अंदर फ्रॉड बहुत होते हैं, इसीलिए। बाकी ये जो चरखरी है ये तो फुल ओके निकली है, बाकी एंड जब इसका होगा चरखरी का तब भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसके अंदर कोई दो नंबरी तो नहीं थी। आज आप लोगों ने पेचे देखे हैं तो यार इस इन पेचों के ऊपर लाइक तो बनता है, वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें यार, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि पता ही है आपको फिर सपोर्ट आप लोगों की चाहिए, हमें फिर ही हम लोग कंटिन्यू रखेंगे इन चीज़ों को, इंशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी और भी अच्छे अच्छे आप लोगों को पेचे दिखाएंगे। गुड्डा हमारा अभी तक चढ़ रहा है जी, तो अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर पेश करिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।